दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है, लेकिन अब तक 8 समन में केजरीवाल एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल पर साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए लेकर दिल्ली की शराब नीति बदलने का आरोप लगाया। इसमें घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। केजरीवाल को इस वक्त जमानत मिली है और ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट वो गए हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी के सामने पेश होने की सलाह दे दी है। ईडी ने बुलाया, केजरीवाल ने बहाना बनाया। आप कानून से बड़े नहीं हैं। आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। ईडी का 9वां समन आपने बताया अवैध। ये तो बिल्कुल साफ है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। घोटाले पर सवाल, दिल्ली में मचा सियासी बवाल। केजरीवाल जी से नफरत करते करते दिल्ली की जनता से भी नफरत कर बैठे। शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी का ये 9वां समन है, लेकिन अभी तक एक बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में उम्मीद कम है कि आज भी वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के समन को अवैध बता रही है। वहीं बीजेपी शराब घोटाले में फंसे सीएम केजरीवाल पर पूछ रही है कि वो ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार 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 समन्स भेज रहा है, इन समन्स को चैलेंज करने के लिए। ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता बार बार जांच एजेंसी की पूछताछ पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज एक बात तो साफ हो गई कि आप कानून से बड़े नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी अपना जवाब देगी, लेकिन आपको कोर्ट में ईडी के सामने जाना पड़ेगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे और जो भी सच है वो सामने आएगा। कोर्ट ने भी कहा कि आप जांच से भाग क्यों रहे हैं, उसका रीजन तो बताइए ना। तो उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं, क्योंकि शराब नीति में घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, ये तो सत्य है, सबको जानकारी में है। आप कानून से बड़े नहीं है। आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश होइए। केजरीवाल ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल से पूछा है कि वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रही, जिसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं, वो सामने आएंगे बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपको पेश ना होने से कौन रोक रहा है। ईडी पहली या दूसरी पूछताछ में किसी को भी गिरफ्तार नहीं करती है। इस पर सीएम केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल अपने कर्मों के कारण अब कपटीवाल बन चुके हैं और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि जाइए ईडी के सामना कीजिए, जवाब दीजिए। आप ईडी के जवाब क्यों नहीं दे रहे, 9 समन आ चुके हैं और ईडी के पास ये नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, जब घोटाला किया, पैसा लिया, बेईमानी की और पूछताछ भी आपसे नहीं हो, संविधान से ऊपर हो गए आप, कानून से ऊपर हो आप। ये तो बिल्कुल साफ है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट गई, समन्स के मामले में गई, वो खुद उन्होंने केस दर्ज किया ये जानने के लिए कि जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो लीगल हैं कि इलीगल हैं, कि जो मुख्यमंत्री समन्स में नहीं आ रहे वो आना या ना आना लीगल है कि इलीगल है। लेकिन ईडी खुद भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान ना करते हुए, कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करते हुए बार बार समन्स भेजे जा रही है। तो देखिए, हम तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, हम चाहेंगे कि ईडी भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे। ईडी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं।
आप नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने घोटाला नहीं किया है तो फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं। मोदी जी को राजनीति के अलावा और कुछ करनी नहीं है, तो वो अभी से ही अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी जो हो सकता है भविष्य में होंगे, होने वाले हैं, वो सोच के वो अभी से खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, पहला। दूसरा, मुझे ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत करती है कि नफरत की पराकाष्ठा इस लेवल पर जा चुकी है कि उनको अब इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो केजरीवाल जी से नफरत करते करते दिल्ली की जनता से भी नफरत कर बैठे। तो हमारी ईमानदारी का प्रमाण यह है कि हमारे लोग आज जेल में बैठे हुए हैं। अगर हम बेईमान होते 2 मिनट पे बाहर आ जाएंगे, अगर हम सेटिंग कर लेते 2 मिनट पे बाहर आ जाते। केजरीवाल साहब के रफूगर चाहे वो मंत्री जी आतिशी जी हों चाहे सौरभ जी हों, वो बड़े एकदम उछल के आ जाते हैं। अभी स्पष्ट करें, आज तक तो ये कहते रहे इलीगल समन है, फिर कोर्ट से बेल क्यों ली इससे पहले। अभी जो और समन भेजे हैं ईडी ने और कोर्ट ने को प्रोटेक्शन दी ही नहीं, जब कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दी और आप ईडी के पास जाने से घबराते क्यों हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल साहब ही कहा करते थे अगर किसी पर डाउट हो तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। तो केजरीवाल साहब के खिलाफ बयान है, जल बोर्ड में बयान है, कविता जी ने बयान दे दिया जो पूर्व सांसद रही है तेलंगाना की, उन्होंने कह दिया इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी अपनी कन्फेस किया हुआ है उनकी स्टेटमेंट में। तो ईडी के पास जाने से क्यों घबरा रहे हैं, ये इसको बार बार कानूनी पेचीदगियों में फंसा कर भाजपा पर क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं। शराब घोटाला आपने किया, जल बोर्ड घोटाला आपने किया, सारे आपने किए, तो विभाग ही इसकी जांच करेगा, भाजपा जांच नहीं करेगी जो बार बार सिंपैथी लेने की कोशिश करती है भाजपा का नाम देकर। ईडी के बार बार समन नहीं भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज करवाई थी। इस पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उन्हें ईडी से वो दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को सीएम केजरीवाल को 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी। लेकिन केजरीवाल को अभी भी डर है कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है। यही वजह है कि वो बार बार कोर्ट जाकर ईडी के समन पर सवाल उठा रहे हैं।